सुरक्षा के लिए खतरा है, उसी तरह जिस तरह से पीएफआई, एसडीपीआई और एलडीएफ भी केरल के लिए खतरा है। देखिए, योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश की खबर दे तो बेहतर है कि उत्तर प्रदेश में महिला की सुरक्षा हुई कि नहीं हुई। लगातार जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, सही एक नंबर वन उत्तर प्रदेश बन गया है। एक तरफ आप बेटी बचाओ का नारा देते हैं, अब तो नया नारा आ रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश से बेटी बचाओ। आप बताएं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट और शांति फैलाने के काम किए हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ से लोग क्यों ना डरे। दूसरी तरफ मनीष तिवारी जो कांग्रेस है कि कांग्रेस के जो गठबंधन वाले उम्मीदवार हैं महाजोत के तमुलपुर कंस्टिट्यूएंसी से, वो लापता है और उसको लेकर वो बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी जांच। बिल्कुल सही बोला है कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द पता चलना चाहिए कि किस षड्यंत्र के तहत उनको लापता किया गया है, और बिल्कुल गंभीर जांच का विषय है और इमीडिएट इसमें एक्शन चुनाव आयोग को भी लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज असम में कोकराझार में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी असम की आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ कर रही है और यहाँ की जनता उन्हें पनिश कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री का बार बार कांग्रेस को कोसना ही बताता है कि कांग्रेस बहुत आसानी से असम में सरकार बनाने जा रही है। अगर जिगरा होता और अगर उनको ये विश्वास होता कि सोनोवाल साहब जो उनके मुख्यमंत्री थे उन्होंने असम में काम किया है, तो वो अपने कामों को गिनाते, अपने मुख्यमंत्री के बारे में बताते कि भाई बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा काम किया। ये इस बात को दर्शाता है कि वो असम को बहुत कमजोर करने में बीजेपी के मुख्यमंत्री और सेंट्रल यानी कि मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, और आज असम उस चीज को समझ चुका है, इसीलिए कांग्रेस जो मजबूत अलायंस है वो सरकार बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा है कि बार बार ये लोग कहते हैं कि हम घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज देंगे, तो वो बताएं कि पिछले 6 साल में कितने घुसपैठियों को। देखिए, बदरुद्दीन साहब का निशाना बिल्कुल सही बैठता है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी तीर छोड़ते हैं। जब भी कहीं प्रदेशों में चुनाव होते हैं तो वह एक ना एक तीर लोगों को गुमराह करने के लिए छोड़ते हैं। जहां तक असम की संस्कृति का सवाल है और ये सीए और एनआरसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिया था लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, और वो अब असम के रिजल्ट के बाद इनको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आएगा। कि नंदीग्राम में कई बूथ संख्या बताई है कि यहाँ पर बीजेपी के लोगों ने बूथ को कैप्चर करने का काम किया है। देखिए, ममता जी ने पहले ही शक जाहिर कर दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने का काम करेगा जो बीजेपी, आज उनको दिख गया, क्योंकि वहाँ हम सबको दिख रहा है कि वन साइडेड हुआ है और ममता दी वहाँ बहुत आसानी से नंदीग्राम से निकल रही है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। और जब ऐसे व्यक्ति, ऐसी सरकार हो जो तानाशाह के रूप में जोर जबरदस्ती से कई प्रदेशों में जहां नहीं बहुमत था वहां उन्होंने सरकार को छीना है, तो ये तो बूथ में सिर्फ धांधली की बात है, वो तो निश्चित तौर से करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग भाजपा पे और उनके कार्यकर्ताओं पे वहां क्या एक्शन लेता है, ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि आज तक चुनाव आयोग भी भाजपा के खिलाफ नहीं गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।